अभी हमारे साथ एमआईएम पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन साहब। आदिल हसन साहब से कुछ बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर, बिहार में जो घटनाएं हो रही है, जो हिंसा हो रही है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही अफसोस की बात है कि नीतीश जी जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में परिपक्वता पहले उन्होंने दिखाई, अभी नीतीश जी ढीला हो गए। अब क्यों ढीला हुए हैं नीतीश जी, ये तो बहुत अफसोस की बात है और ये बात समझ में नहीं आ रही है। पहले भी नीतीश जी जब भाजपा के साथ भी थे तब भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लगभग स्ट्रिक्ट रहते थे, न्याय की बात करते थे। लेकिन जिस तरीके से रोहतास सासाराम में, जिस तरीके से बिहार शरीफ में और बिहार के दूसरे हिस्सों में, ये अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि हर पर्व, रामनवमी हो, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, हर पर्व को बिहार शांति से, बिहार के लोग उसको अमन चैन से मनाए। बिहार तो गौतम बुद्ध की धरती रही है, बिहार लॉर्ड महावीरा की धरती रही है, बिहार शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की धरती है, मखदूम मुनप्पा की, शहाबुद्दीन जगजोत रहमतुल्ला अलैह की सरजमी है। बिहार तो बहुत जी मुकद्दस सरजमी है, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने भी यहाँ पे अपना एक अलग वो किया है, लैंड ऑफ सेल्वेशन है। तो जी इसलिए यहाँ तो उनको इनलाइटमेंट मिला था, इसलिए बिहार में तो अमन रहता था। लेकिन अफसोस, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, ये तो देखना पड़ेगा। एक और लालू नीतीश यादव जी थे, अपनी लालू वो यादव के कार्यशैली, समय में वो चले भी जाते थे और जा करके घटना स्थल पे जाते थे, कहीं हिंसा होता था तो वहां पे पहुंच जाते थे। लेकिन तेजस्वी यादव भी इसमें कहीं ना कहीं उनका भी नहीं लग रहा है कि उनको भी उनसे कोई हमदर्दी है। असल में तेजस्वी यादव जी जो हैं वो संजय यादव साहब हैं, हरियाणा से आके वो सुझाव दे रहे हैं, मनोज झा जी सुझाव दे रहे हैं, इंजीनियर सुनील सिंह एमएलसी जो हैं वो बिस्कुमान के ऊपर से बैठ के सुझाव दे रहे हैं, उसके बाद जगदा बाबू सुझाव दे रहे हैं। तो सुझाव पहले देते थे शहाबुद्दीन साहब, तस्लीमुद्दीन साहब, अनवारुल हक साहब, अब्दुल गफूर साहब देते थे, पहले देते थे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, शकील अहमद खां मरहूम देते थे। तब लालू, अब तेजस्वी यादव को तो किसी मुस्लिम लीडर के अगल बगल आप देखे नहीं होंगे। आप बतला दीजिए कि तेजस्वी यादव किसी मुस्लिम मेले मेले के साथ दिखते भी है? तेजस्वी यादव दिखेंगे शक्ति यादव के साथ, मनोज झा जी के साथ। तो भाई आप अपने लोग को भूल जाइएगा तो मशवरा भी तो आपको उसी तरह होगा। बतलाए ना कि मनोज झा जी का घर में राजसभा तो दे लिए, उनका जात, उनका बिरादरी कितना वोट देता है, उनके बूथ पे कितना महागठबंधन को, समाजवाद को वोट मिलता है। लोहिया जी का नाम लेने से और गमछा पहनने से थोड़ी समाजवाद का नारा है। अपने लोगों को मनोज झा जी बतलाए। जगदा बाबू का एक बेटा महागठबंधन से चुनाव लड़ता है, एक बेटा एमएलए मिनिस्टर रहता है, और नीतीश जी को गाली बकता है, और अभी तेजस्वी यादव में हिम्मत भी नहीं है कि कार्रवाई करे। ये तो दोहरी नीति है ना भाई। इतना तेजस्वी यादव जी संजय यादव जी को लाए, एक अच्छी बात है ट्विटर फेसबुक रील प्रेस रिलीज बनाने के लिए, लेकिन संजय यादव लालू यादव नहीं ना हो सकते हैं? सही सुझाव देना, बाबू तो भाजपा की सरजमी से आए हैं, वहां पे मनोहर लाल खट्टर है, वो तो भाजपा का इलाका है, वहीं से भाजपा का मिजाज बन के आया। उन्होंने बतला दिया, संजय यादव जी ने सिखा दिया है कि भाई मत जाओ मुसलमान मामले, मत बोलो, तुम भी अखिलेश यादव बन जाओ। तो उनको जानकारी दे दे कि अनुकंपा में 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए थे, पिताजी अपने जगह पर अखिलेश यादव जी को बना दिए थे। उसके बाद जब जनता के अदालत में अखिलेश यादव जी 17 में और 22 में गए हैं तो संजय यादव जी काम नहीं आए, वहां भी एक सुनील सिंह काम नहीं आए, उदय सिंह काम नहीं आए, कोई काम नहीं आता है। याद रखिए बिहार की जनता बहुत समझदार है पत्रकार बड़े भाई। अब बिहार जो फैसला लेता है वो देश फैसला लेता है। एक चीज तो और हम तेजस्वी आपसे यादव पूछना को चाहेंगे जी, गलतफहमी, एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिनके दिलों पे घाव है, जैसे मदरसे को जला दिया गया, कुरान शरीफ को जला दिया गया वहां पे, अब उनके दिलों पे एक घाव है और उसको लेकर के कहीं उसको अवतार पार्टी दे करके उनके घाव को तो भरने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी? कैसे कल अवतार पार्टी भी भाई रखे गए थे? सुनिए मेरे भाई, रोजा हम रखते हैं 14 घंटा से 22 घंटा तक, मुसलमान पूरे दुनिया में रोजा रखता है, और वो अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए रखता है। वो तेजस्वी यादव और नीतीश जी के अवतार का मोहताज नहीं, वो अल्लाह का मोहताज। नॉर्वे में 22 घंटा हम रोजा रखते हैं, हम बेतकल्लुफ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें ये सिखाया गया है, तो हम अपने अल्लाह की रजा के लिए और अपने नबी की सुन्नत पे रखते हैं। इसलिए ये अफ्तार पार्टी से नहीं होगा, इंसाफ से होगा, हुक्मरानी इंसाफ से होती है। और वक्त के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को ये जवाब तो देना पड़ेगा, अगर आप भाजपा आरएसएस का नाम ले रहे हैं ट्वीट पे
और बोल रहा है कि उन लोग को तो गिरफ्तार कीजिए ना भाई, 10 दिन हो गया, क्यों आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ? आपका एसपी डीएम डीआईजी आईजी क्या कर रहे थे? भाजपा के कार्यालय की सुरक्षा कर रहे थे क्या? जाकर वहां के इमाम के, वहां के सेक्रेटरी साहब का वीडियो आपने देखा है किस तरीके से कुरान शरीफ की बरामदगी हुई है? हम तो बिहार के ही नहीं देश के गैरतमंद लोगों से बोलना चाहते, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, बतलाइए किसी ग्रंथ को, किसी ग्रंथ के साथ ऐसा कोई बेहरमती करता है क्या? कोई धर्म इजाजत देता है क्या किसी ग्रंथ का अपमान करना? बतलाइए, किसी भी ग्रंथ ग्रंथ की बात कर रहे हैं? इस नीतीश जी का गृह जिला है, वो हर वार्ड हर पंचायत में लोग उनको जानता है, अब बार बार जिता के उनको भेजा है। नीतीश जी 31 तारीख को ये घटना हुई, 1 तारीख को क्यों हो गई भाई? ससराम में क्यों हो गई? आपका डीएमएसपी क्या करता? आप क्यों नहीं, तेजस्वी यादव चले गए ससराम, नीतीश जी चले जाते बिहार शरीफ, मामला तुरंत ठीक हो जाता। लालू जी जाते थे, ये खासियत थी लालू जी में। तेजस्वी यादव जी को लालू जी का बेटा बनने से सिर्फ वो जगह मिली है, लेकिन लालू जी का किरदार लाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, और चमचों से घिरना, चमचों से जो घिरे हुए दरबारियों से उससे निकलना पड़ेगा, पब्लिक का नफ्स तो टटोलना पड़ेगा। इसलिए गोपालगंज भी आ रहे, वहां पे भी आरएसएस समर्थित कैंडिडेट को दिए थे, कुर्दी भी आ रहे, और हार का सिलसिला जारी रहेगा। ये तो एहसान है चिराग पासवान का जो इनको सीट इतनी आ गई। बिहार की आवाम बहुत समझदार है, बीजेपी से लड़ना है तो आप अकेले नहीं लड़ सकते हैं बीजेपी से, बीजेपी से लड़ने के लिए सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। वो आरएसएस बीजेपी कंसुआ पार्टी, उसके पास रिसोर्स है, उसका सब कुछ है। और आप जो दिखाना चाहते हैं मुसलमानों को डराकर कि बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी बीजेपी मुसलमान जो है सिर्फ अल्लाह से डरता है, दुनिया में किसी से नहीं डरता है, ये तो ड्रामाबाजी 30 साल तक हो गया। आपको, आपके पिताजी को, आपकी वालदा को सबको चीफ मिनिस्टर बना दिया, नीतीश जी को गुलाटी मार मार के 8 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। कल तक लालू जी बोलते थे ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, पलटू राम यही तेजस्वी तेज प्रताप ढोल लेके पूरा बिहार घूमे थे ना 2020 में। बतलाइए, नीतीश जी से पूछिए कि अभी तक राज्यसभा में वाइस चेयरमैन उनका क्या कर रहा है, कैसे एनडीए का वाइस चेयरमैन बना हुआ है भाई? ये संजय झा जी वोट दिलाएंगे वो तो जो आप भाजपा में बोल संजय झा रहे हैं थे, कि आ जाए एमआईएम सर। बीजेपी की बी टीम है, वो तो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि आप बीजेपी के बी टीम है। बतलाइए, बिहार का कोई भी आदमी इस बात को यकीन करेगा कि बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है? जो बीजेपी के पालने में जो बड़ा पड़ा है, जो शख्स जो बीजेपी के पालने में बड़ा, जो बीजेपी अलायंस में एमपी बना, मिनिस्टर बना, गुजरात चल रहा था, जो रेल मंत्री बना रहा, कुछ चू से चा नहीं किया, यही नीतीश जी थे। गोधरा जला नीतीश जी कुछ बोले थे, एक स्टेटमेंट है, बतलाइए आप ही बतलाइए, बिहार में बीजेपी आरएसएस को किसने लाया? यही नीतीश कुमार जी ने लाया। अरे इनको तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बनाया था, ये ड्रामा शुरू किए ये। और जाके योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में देखे थे कैसे प्रणाम जाकर किए थे, बच्चा मोदी जी का पैर छू लेते, लेकिन गलती से सिक्योरिटी वाला रोक लिया कि हुजूर प्रधानमंत्री इतना मत झुकिए, पैर मत छूइए, तब रुक गए वो। नहीं तो मेरे लग रहा था कि वीडियो में पैर ही छूने जा रहे थे। आदमी को भी इतना नतमस्तक नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से बिहार की बात करें। और इनके इनके जो दरबारी हैं पीछे लाल किला का फोटो छाट देते हैं तो ये बात अच्छा है, दिन में सपना देखना, ख्याली पुलाव अच्छा है। मेरे घर के पीछे भी पोस्टर में ताजमहल छाट दीजिएगा तो ताजमहल के मालिक नहीं हो जाएंगे। नीतीश जी पुराने पॉलिटिकल आदमी है, सीजन पॉलिटिशियन है, तो जानना पड़ेगा, तो नीतीश जी को बताना पड़ेगा कि। और नीतीश जी याद रखे, एमआईएम तो आवाज उठाएगी, एमआईएम पूरे बिहार में मजबूती से नौजवानों के, मजलूमों की क्यादत कर रही है और करेगी, सीमांचल की क्यादत करेगी, आपके और हम पार्टी तो के हक तरफ से बोलेंगे। अख्तरुल इमाम साहब और आप भी एक बार गए थे वहां पे, कुछ जो दबे कुचले लोगों को जो वहां पे जिनकी दुकानें जली हुई है या जो मदरसे 100 साल पुराने मदरसे में किताबें जो जला दी गई थी उसको लेकर के आप जा रहे थे, तो आपको वहां पे रोका भी गया था। अब बोलिए, हमने डीएम साहब से पूछ के हम गए थे, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई थी, इसलिए नीतीश जी को मिर्ची लग गया। तो अब भाई डीएम इनके हैं, डीएम तो इनका होता है, सरकार का होता है, डीएम को बोल दिया भाई रोक दो, लेकिन हम तब भी जाएंगे, हम मजलूमों के जख्म में मरहम लगाएंगे, हम उनको मदद भी इंशाल्लाह करेंगे। कितना रोकिएगा भाई, कितना रोकिएगा आप मजलूमों की आवाज को नहीं रोक सकते। अख्तरुल इमान साहब आज बिहार के अपोजिशन की आवाज है, मजलूमों की आवाज है, पूरे बिहार के मुसलमानों, दलितों, वंचितों की आवाज है अख्तरुल इमान साहब। सीमांचल का शान आन पान है, सीमांचल का बेटा है, आज पूरे बिहार के मजलूमों की क्यादत कर रहा है, उसका नाम अख्तरुल ईमान। अरे जिसको बिकना था बेईमान बिक गया, जिसके दिल में ईमान था उसका नाम अख्तरुल ईमान।
चंपारण भी जाएंगे, गोपालगंज, सिवान, गोपालगंज अब्दुल गफूर साहब की सरजमी है, बिहार को पहला मुसलमान चीफ मिनिस्टर उस सरजमी दिया। इन लोग की देखिए दोहरी पॉलिसी की, उनके नाम से एक चौक नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है, एक स्कूल कॉलेज नहीं है। लोग अपने अपने बाप दादा को इतनी इज्जत देता है, लेकिन यही नीतीश कुमार जी भूल जाते हैं। समता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे अब्दुल गफूर साहब मरू, लेकिन उनके नाम से एक डिग्री कॉलेज तक नहीं दिया, एक हॉस्पिटल नहीं दिया। उम्मीद करते हैं ये ट्रॉमा सेंटर जो बन रहा है गोपालगंज में या बनने वाला, वो अब्दुल गफूर साहब के नाम। गोपालगंज के आवाम से पूछिए कि पूछे लालू राबड़ी जी से कि कब अब्दुल गफूर के नाम से राजकीय सम्मान नहीं होता है, राजकीय समारोह नहीं होता है। आखिर वो गोपाल क्या बिहार सरकार इज्जत देने में इतनी कोताही क्यों कर रही? अब्दुल गफूर साहब ने बिहार का नाम रोशन किया, पहला चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान एक इंसान बना, तो उसको तो बिहार सरकार को इतना दिल तो दिखाना चाहिए। यहाँ तो भाजपा की सरकार नहीं है भाई, यहाँ तो समाजवाद की सरकार है। लालू जी के नाम से, रबड़ी जी के नाम से, नीतीश जी के नाम से, दूसरे के नाम से रह सकता है? एक मुसलमान का बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके नाम से एक हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी नहीं रह सकती है क्या? गोपालगंज के आवाम से पूछिए कि लालू जी भी चीफ मिनिस्टर बने, रबड़ी जी बने, तो अब्दुल गफूर साहब के बाद बने हैं, तो अब्दुल गफूर साहब को खराज अकीदत कैसे दे रहे हैं? क्यों बार बार हम देंगे इनको वोट भाई? जब मेरे बाप दादा की इज्जत नहीं करेंगे हम क्यों देंगे? MIM को आने दीजिए, इंशाल्लाह अब्दुल गफूर साहब के नाम से हम राजकीय सम्मान भी करवाएंगे, उनके नाम से कोई बड़ा इदारा, यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा चीज देंगे, ताकि आने वाली नस्ल याद रखे कि गोपालगंज की सरजमी से एक मजबूत चीफ मिनिस्टर दिया था, ताकि हमारे लोग जाने। अरे इज्जत देने से बढ़ती है इज्जत, नीतीश जी और तेजस्वी यादव को सीखना पड़ेगा। अरे लालू जी रबड़ी जी ने तो गलती किया ही किया कि उन्होंने उन्होंने नहीं दिया। नीतीश जी तो एहसास हो कि समता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे अब्दुल गफूर साहब, इतना दिल में जगह नहीं है? शीशा का ब्रिज राजगीर में बन रहा है, ऐसे लालू जी तो कहते ही, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नहीं हुए, दिग्विजय सिंह जी के नहीं हुए, शरद यादव जी के नहीं हुए, इनका पुराना इतिहास है। लेकिन याद रखिए, आप दूसरे को नहीं याद रखिएगा तो आपको भी कोई याद नहीं रखेगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, गृह जिला है, अब्दुल गफूर साहब के जिला से आते हैं, पहला नाम अब्दुल गफूरी साहब का आएगा, उसके बाद उनके पिताजी माताजी का चीफ मिनिस्टर में आएगा। याद रखिए, तारीख को कोई नहीं मिटा सकता, ये तो भाजपाइयों की आदत है जो तारीख को मिटाना चाहते हैं। ये तो चड्डीधारी आरएसएस की आदत है कि सावरकर को वीर बना देते हैं, लेकिन गोपालगंज की तारीख है, समाजवाद की बात करते हैं तेजस्वी यादव, बिहार का मुसलमान और बिहार गोपालगंज की जनता पूछ रही है कि आप अब्दुल गफूर साहब के नाम से क्या किया भाई, मौलाना मजहरुल हक साहब के नाम से क्या किया, शहाबुद्दीन साहब के नाम से क्या किया, तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से क्या किया, अनवारुल हक साहब के नाम से क्या किया, ये सब पूछिए अपने पिताजी से। इन्होंने राजद को बनाया, इन्हीं इन्हीं की मदद से आपके पिताजी चीफ मिनिस्टर बने, इन्हीं की मदद से आपकी माताजी चीफ मिनिस्टर बने, उसी की खेती आप खा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को गोपालगंज की आवाम बतला है, सारण की आवाम बतला है कि अपने अपने बाप दादा की जो मेहनत है, विरासत है, उसको मजबूत करना होगा, और अकेले सिर्फ बांह फैलाने से, संजय यादव और मनोज झा जी और जगदा बाबू और सुनील सिंह से पूछने से कुछ नहीं होगा। जाकर जमीन पे बैठना पड़ेगा, बिहार शरीफ जाना पड़ेगा, ससाराम जाना पड़ेगा, और ये कमनल क्लैश रोकना पड़ेगा। बिहार बहुत ही पावन धरती है, गुरु गोविंद जी महाराज की धरती है, यहाँ पर अमन का पैगाम पूरी दुनिया को दिया जाता है, यही बिहार है। सिर्फ भाषण से नहीं होगा, नहीं तो मोदी जी की आदत है भाषण देना। तेजस्वी यादव अभी सीखे, असल बात पढ़ाई लिखाई किए नहीं है, गलती इनकी भी है, पढ़ाई लिखाई के वक्त तो क्या करे था नहीं बेहतर जानता है, इसीलिए मैट्रिक में बहुत बार अफसोस भी आता है। जो लोग पूछता है कि बिहार का डिप्टी सीएम नॉन मैट्रिक है, नौवीं भी पास नहीं किया, अफसोस आता है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जब जागो तब सवेरा, शायद पत्नी आए तो बोले कि करस्पॉन्डेंस से मैट्रिक पुट्टी कर ले, ग्रेजुएशन कर ले।